हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं उमेश, इंडियन एवरीवेयर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग हैं दमाम सिटी में, लेकिन हम लोग अभी जा रहे हैं बहरीन ब्रिज, जिसे किंग फहद कॉजवे कहते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग फिलहाल ब्रिज पर हैं। एक जमाने में दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज हुआ करता था, 25 किलोमीटर लंबा ब्रिज है और इसका टोल है 25 रियाल, सऊदी रियाल। तो चलिए चलते हैं ब्रिज के ऊपर। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग ब्रिज पे से क्रॉस करके आ गए हैं। मेरे पीछे देखें, जाएंगे ना तो इधर, आपको यदि बहरीन जाना है तो इधर से जाएंगे तो इमिग्रेशन होगा। चलिए मैं लेके चलता हूँ उधर, और आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं जहाँ इमिग्रेशन होता है बहरीन जाने के लिए, उस जगह पे। मैं आपको वहां तो नहीं जाऊंगा हम, लेकिन आपको दिखाता हूँ उस जगह। तो दोस्तों, मेरे पीछे देखें आप, ये है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। जो यदि बहरीन जा रहे हैं कार से तो इधर आकर लाइन में लगना है। और आज तो फ्राइडे है, कोरोना का भी चक्कर है, तो इसलिए काफ़ी लोग नहीं जा रहे हैं, नहीं तो बहुत काफ़ी भीड़ होता है यहाँ पे वीकेंड्स के लिए। हाँ, स्पेशली थर्सडे नाइट को जो वीकेंड्स है काफ़ी भीड़ होता है। सो दोस्तों, ये जो गेट दिख रहा है आपको, ऐसा चार गेट है। पहला गेट पर आपका सिर्फ गाड़ी का जो देखते हैं, दूसरा पे एग्जिट री एंट्री और वीज़ा रिलेटेड इश्यूज चेक करते हैं, थर्ड में फिर पूरा सा फाइनल चेक करते हैं, और चौथा जो है गेट वो है बहरीन का। वहाँ पे जिसको वीज़ा ऑन अराइवल है वो वीज़ा देते हैं, जिसको वीज़ा ऑन अराइवल की ज़रूरत भी नहीं है जैसे सऊदीज़ को ऐसे ही जाते हैं, तो वो चौथा गेट पर वो होता है। दोस्तों, ये जगह तो बना था कि ईज़िली बहरीन और सऊदी के बीच आवाजाही हो सके, लेकिन एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो भी है, यहाँ काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए, तो हम उसी में से हम लोग भी हैं। जो पीछे हमारे दिख रहे हैं ना, ये गेट से बहरीन से जो रियाद आ रहे हैं उसके लिए है। इसका पहले मैंने आपको बताया था, वो तो रियाद से बहरीन जाने वाला बताया था, जो चार गेट के बारे में मैंने आपको जिक्र किया था। तो दोस्तों, हमारे पीछे है जुमा मस्जिद। जो लोग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं जुमे के दिन, तो जुमा का नमाज भी यहाँ पढ़ सकते हैं। ये मेरा इस जगह पे पांचवा बार है। पहले हम लोग जब आते थे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पार्किंग का बहुत झमेला होता था, पार्किंग मिलती नहीं थी, इधर उधर पार्क करना पड़ता था रोड पे। तो फिलहाल इधर पेड पार्किंग बना हुआ है, अच्छा है, पेड है लेकिन अच्छा है। ऊपर जो ब्रिज है ना, जो ट्रक्स जाती हैं उनके लिए है। तो दोस्तों, चलिए इस इलाके का एक राउंड लगाते हैं, और जो भी नीडेड इंफॉर्मेशन है मैं आपको सब देता हूं। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ मछलियां पकड़ना और स्विमिंग करना दोनों मना है। इसी कारण से लगता है कि काफी मछलियां हैं अंदर, काफी बड़ा भी है, बहुत तरह के मछलियां मैंने देखा है। शायद मेरे कैमरे में शायद रिकॉर्ड ना हो, लेकिन काफी बड़ी मछलियां हैं, बहुत सारी तादाद में यहाँ मछलियां देखने को मिल रही थी।
दोस्तों ये जो है रोड, ये भी बहरीन ही जा रही है, लेकिन ये यहाँ पर इमिग्रेशन होता है डिप्लोमेट्स का और बड़े लोगों का। नॉर्मल लोगों के लिए जो मैं पहले दिखाया था उधर से जाना है, इधर से डिप्लोमेट्स और जो दूसरे अहदे के लोग हैं वो इधर से जाते हैं। दोस्तों यहाँ से बहरीन दिख रहा है, बहरीन तो काफी छोटा कंट्री है, रियाद सिटी से भी छोटा है। तो दोस्तों इस साइड में आप देख रहे हैं जो ये तो रियाद का इमिग्रेशन और जो भी है इधर है, और इस साइड में जो आपको दिख रहा होगा बिल्डिंग्स और वो है बहरीन का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, सब उस साइड है। बहरीन से भी लोग आते हैं वहाँ टाइम पास करने के लिए हमारे जैसे। तो दोस्तों देखें, इन लोगों ने बैरिकेड कर रखा है तार से, कोई नीचे पानी में न जाए, और इसी की वजह से आज तक कोई दुर्घटना नहीं घटी है। समुद्र होने के वजह से यहाँ काफी ह्यूमिड है, कहाँ भी पसीना पसीना हो रहा है जो रियाद में कभी नहीं होता है। तो काफी घूमने के बाद अब कभी थोड़ा थक सा गया भी हूँ मैं, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।